हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर फाइव द नाउन नंबर। इसमें हमने पढ़ा था सिंगुलर से प्लूरल को, कुछ सिंगुलर नाउंस पढ़ी थी जिनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे उन नाउंस के बारे में जिनके लास्ट में ओ होता है, जिनके लास्ट में ओ होता है, जैसे कि मैंगो। मैंगो में लास्ट में क्या आता है? ओ। सो जब लास्ट में ओ आता है तो उसको प्योर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ई एस को ऐड करना होता है। क्या ऐड करते हैं? ई एस। जैसे कि लास्ट में यहाँ पे ये मैंगो वर्ड है, इसके लास्ट में ओ आ रहा है, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? ई एस। सो हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा? मैंगोज। नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉस्किटो। मॉस्किटो के लास्ट में ओ आ रहा है, सो इसको जब हम बनाएंगे प्लूरल इसका, तो लिखेंगे मॉस्किटोज, टी ओ ई एस, ई एस ऐड करेंगे हम। सेम एज हीरोज, एच ई ओ आर, एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। नेक्स्ट वर्ड इज़ बफेलो। बफेलो में भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्केनो। वॉल्केनोस। नेक्स्ट वर्ड इज कार्गो, सी ए आर जी ओ ई एस, कार्गोस। नेक्स्ट वर्ड टोमेटो। सो टोमेटो का प्लूरल बनेगा टोमेटोस। सेम पोटैटो। नेग्रो। इको। सभी में हमने क्या ऐड करा है? ई एस, क्योंकि इनके लास्ट में ओ वर्ड आया है। जब कोई भी वर्ड ओ से लास्ट होता है तो उसमें ई एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर कुछ वर्ड डबल ओ, आई ओ और वाई ओ एंड सम एंडिंग इन ओ, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस का एस लगाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल है इसमें, जैसे कि रेशियो। रेशियो में ओ से तो एंड हो रहा है, बट इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, एस लगाएंगे। ऐसे ही फोटो, तो फोटो में हम ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे, फोटोस। अब यहाँ पे ये डबल ओ आ रहा है तो हम इसमें भी एस ही लगाएंगे। डायनेमो। पी आई ए एन ओ एस। पियानो, तो इसका हो जाएगा पियानोस। स्टेरियो, सब में एस ऐड करेंगे। स्टूडियो। बैम्बू, एस। क्यूरियो, एस। यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू बी ई एस। किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर लास्ट में एफ आता है या फिर ई एफ आता है, सॉरी एफ ई आता है, तो उनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो एफ और एफ ई की जगह पर बी ई एस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे थीफ वर्ड दे रखा है, लास्ट में एफ आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बी एस लगाया है, प्लूरल में कन्वर्ट किया है, तो एफ की जगह क्या आ गया है? बी ई एस। सेम एज सेल्फ लिखा है, तो सेल्फ में भी एफ हटेगा और आएगा बी ई एस। ऐसे ही इसमें आएगा बी ई एस। बुल्फ में भी बी ई एस, काफ में भी बी ई एस, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एफ। अगर एफ ई आता है तब भी बी ई एस लगता है। के एन आई बी ई एस, नाइफ्स। वाइफ का बी, सॉरी डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स। ई एल एफ, एल्फ, तो यहाँ पे भी बी ई एस लगेगा। लीव,
LEABES. नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइफ, तो लाइफ का हो जाएगा LIPES, लाइफ्स. बट इसके भी कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डबल एफ से लास्ट होते हैं, डबल ई एफ से एंड होते हैं, डबल ओ एफ से एंड होते हैं, या फिर आई ई एफ या आर एफ से एंड होते हैं. और कुछ नाउन ऐसे हैं जो एफ से एंड होते हैं, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस ऐड करना होता है. जैसे कि यहाँ पे स्टाफ, डबल एफ है तो यहाँ पे स्टाफ्स, यहाँ पे हम ई एस नहीं लगाएंगे एफ की जगह, यहाँ पे हम लगाएंगे एस. सेम रूफ, डबल ओ एफ आ रहा है तो रूफ में भी हम बी ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे. ऐसे ही प्रूफ, ड्वार्फ, एस ऐड करेंगे. चीफ, क्लिफ, एस ऐड करेंगे. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें वोवेल में चेंज करते हैं हम, जैसे कि टूथ, यहाँ पे डबल ओ आ रहा है तो इसको डबल ई कर देंगे, यानी वोवेल में चेंज हो गया, टूथ का टीथ हो गया. ऐसी माउस, तो ओ यू वोवेल है यहाँ पे, ओ यू की जगह आई हो जाएगा, माइस. वुमेन है, ए यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे ए की जगह ई एन ई हो जाएगा. फूट का एफ डबल ई टी हो जाएगा. मैन का एम ई एन, ये गूज वर्ड है, इसमें डबल ओ का डबल ई हो जाता है. लाउस है ये, इसका लाइस हो जाता है. ओके, कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पे, जैसे कि डियर, सीप, फिश, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं. ओके, तो ये हैं एक्सेप्शनल. जैसे कि हम देखते हैं कि हम डियर लिखा है कहीं पे, शीप लिखा है, फिश लिखा है, तो वहाँ पे हम अगर प्लूरल यूज़ करना है तो हम वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे इनमें, हम इनको डियर, सीप, फिश ही लिखेंगे. लेकिन अगर वैरायटी की बात आती है, जैसे कि मतलब काइंड्स या स्पेसीज़ की बात आती है, तब हम फिश को फिशेस लिख सकते हैं, तब हम फिश को फिशेस लिख सकते हैं. बट हम अगर वैसे यूज़ करें कि बहुत सारी फिश हैं एक पॉन्ड में, तो हम उसके लिए फिश ही लिखेंगे, फिशेस नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर स्पेसीज की बात आती है, जैसे कि एक हुएल है, एक डॉल्फिन है, अलग अलग तरीके की, तब हम फिशेस लिख सकते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.